और भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी क्या कुछ कह रहे सुनिए जी। आईटीयू की सेक्रेटरी जनरल, विभिन्न देशों के मंत्रीगण, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए सब मंत्रीगण, इंडस्ट्री लीडर्स, टेलीकॉम एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स की दुनिया के मेरे प्रिय नौजवान, देश दुनिया से आए अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन आईटीयू के साथियों का भी विशेष स्वागत करता हूं। आपने WTSA के लिए पहली बार भारत चुना है, मैं आपका आभारी भी हूं और आपकी सराहना भी करता हूं। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुण का भी माध्यम बनेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है, यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला
तब भी हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। ऐसे में WTSA और IMC की ये साझेदारी भी एक प्रेरक और शानदार मैसेज है। जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है, तब न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है, और यही हमारा लक्ष्य है। फ्रेंड, 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था, तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है, और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के पिलर पर काम करते हुए भारत में हमने ये सुनिश्चित किया कि हर घर कनेक्ट हो। हमने देश के कोने कोने में मोबाइल टावर्स का एक सशक्त नेटवर्क बनाया, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं,
वहां बहुत कम समय में ही हजारों मोबाइल टावर लगाए गए। हमने रेलवे स्टेशन्स और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की सुविधा दी। हमने अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को अंडरसी केबल्स के माध्यम से कनेक्ट किया। भारत ने सिर्फ 10 साल में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी 8 गुना है। मैं भारत की स्पीड का आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 साल पहले मोबाइल कांग्रेस में ही हमने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है और अब हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, जो इनोवेशन किए, वो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। इससे डेटा की कीमत बहुत कम हुई। आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रति GB है, जबकि दुनिया के कितने ही देशों में 1 GB डेटा इससे 10 गुना से 20 गुना ज्यादा महंगा है। हम भारतीय आज हर महीने औसतन करीब 30 GB डेटा कंज्यूम करते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों को हमारे चौथे पिलर यानी डिजिटल फर्स्ट की भावना से नई स्केल पर पहुंचाया है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ONDC की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ONDC से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। जरूरतमंदों तक पैसा भेजना हो, कोरोना से निपटने में जुटे कर्मचारियों तक रियल टाइम गाइडलाइंस भेजनी हो, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना हो, वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट देना हो, भारत में सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। आज भारत के पास एक ऐसा डिजिटल बुके है जो दुनिया में वेलफेयर स्कीम्स को एक नई ऊंचाई दे सकता है। इसलिए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया। और आज मैं फिर दोहराऊंगा, भारत को DPI से संबंधित अपना अनुभव
और जानकारी सभी देशों के साथ शेयर करने में खुशी होगी। साथियों, यहां WTSA में नेटवर्क ऑफ वीमेन इनिशिएटिव पर भी चर्चा होनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। भारत वीमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी हमने अपने इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाया। टेक्नोलॉजी सेक्टर को इंक्लूसिव बनाना, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से महिलाओं को एम्पावर करना, भारत इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है।